गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को जो हमारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं, तुम लोग के लिए इस वीडियो को लाइव कर रहे हैं। और सिमेज के स्टूडेंट्स के लिए जो पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिससे सबसे ज़्यादा तुम लोग इंस्पायर्ड हो सकते हो, जिससे सबसे ज़्यादा तुम लोग लर्न कर सकते हो, और जिसको तुम लोग जो है वो कहते हैं लुक फॉरवर्ड करना, और जिसके लाइफ के स्ट्रगल से कुछ सीखना समझना, और जिससे तुम रिलेट कर सकते हो, एक ऐसे पर्सन यहाँ तक मैं मतलब कहूँ कि जो तुम्हारे सीनियर हैं, सुपर सीनियर हैं, और मेरा खास छात्र साकेत। तो साकेत हमारे बीच है, जब भी पटना आता है ज़रूर मिलने आता है। और मैंने आज यहाँ कुछ बच्चों को अपने रूम में बुलाया, जिनको मैं चाहता था कि वो साकेत की कहानी को जाने सुने और उससे समझें और अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों को बनाएं। निश्चित रूप से इसकी यात्रा अलग है, इसके संघर्ष अलग हैं, इसके लक्ष्य अलग हैं, इसकी क्षमताएं थोड़ी अलग हैं, इसके संकल्प अलग हैं, लेकिन तुम्हारा अलग होगा, तुम्हारी यात्रा अलग होगी, तुम्हारा संघर्ष अलग होगा, लेकिन कुछ ना कुछ सीखने को है, बहुत कुछ सीखने को है, और महत्वपूर्ण होगा तुम्हारे लिए तुम्हारे सीनियर के अनुभवों को जानना, क्योंकि यही कुछ ऐसा ही कुछ जो जर्नी तुम्हारी है, जैसे जैसे तुम यहाँ पहुँचे हो वैसे ही वैसे ये भी यहाँ पहुँचा, और जिस तरीके का 3 साल तुम यहाँ पर बिताओगे उस लगभग वैसा कुछ ही इसने भी किया, थोड़ा कुछ अंतर किया होगा। जो कुछ अंतर होता है उसके कारण परिणाम बदल जाता है ना। बच्चों को म्यूट रखने बोलो, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं उनको बोलो म्यूट रहेंगे सब लोग, म्यूट ऑल कर दो ठीक है। और बच्चों को भी सवाल पूछने का अवसर दूंगा मैं। तो अब मैं तुम लोगों को साकेत से मिलाता हूँ। साकेत बीकॉम का छात्र है और बहुत सारी कहानियाँ हैं, हम कोशिश करेंगे कि आज कुछ कुछ इस पुरानी बातों को हम लोग रिकलेक्ट करें, और हम उन पॉइंट्स को रिकलेक्ट करना चाहेंगे साकेत, जो कि कहीं ना कहीं कनेक्टिंग द डॉट्स अगर तुम कनेक्ट करो तो तुमको याद आएगा कि सिमेज में ये सब कुछ जो वो तुम्हारे डॉट्स थे वो आगे जाके कहीं कनेक्ट हो गए, है ना। तो ऐसे कुछ डॉट्स रहे होंगे, मुझे वो याद आता है जब तुम लोगों की क्रिकेट टीम का नहीं बन रही थी, जो टीम कैसे कैसे वो टीम बनी थी, और मैंने वहाँ पे पोदार सर को एक एग्जांपल के साथ भेजा था कि श्रीलंका की आबादी बिहार से भी कम है, और उसके कुछ दिनों पहले जो है श्रीलंका टूर्नामेंट जीता था। तो मैंने कहा था कि जो देश की आबादी हमारे भारत के एक राज्य की आबादी से भी कम है, उस राज्य का मतलब उस देश का जो टीम है, उस देश की जो टीम है वो पूरे इंडिया को भी और ग्लोबल बड़े बड़ी क्रिकेट की टीम को हरा करके टूर्नामेंट जीत गई है। तो तुम्हारा बीकॉम में तो ऐसा मतलब सबसे कम बच्चे थे, यहाँ तक की स्थिति ये थी कि अगर टीम बनाना था तो क्लास के 100% बच्चों को लड़कों को खेलना था, नहीं तो एक दो लड़की को खिलाना पड़ता तब जाकर के टीम बन पाती। मैं भी खेल रहा था बट मुझे क्रिकेट उतना अच्छा आता नहीं है। तो सारे बच्चों की टीम जब बनी तब जाकर के सिमेज प्रीमियर लीग में बीकॉम का पार्टिसिपेशन, क्या नाम था कुछ बीकॉम कुछ ऐसा कुछ नाम था, याद नहीं है सर, और क्योंकि मैं ज्यादा फुटबॉल खेलता था। बीसीए की 3 टीम थी, बीसीए में 3-4 टीमें थी, बीबीए की टीम्स थी, एमबीए की थी, कहीं पे कोई रॉकर्स था, कहीं कुछ था, तो अलग अलग टीम्स बनी हुई थी। बीकॉम की एक टीम हम लोग चाहते थे जरूर बने, और वो टीम बड़ी मुश्किल से फॉर्म हुई क्योंकि खिलाड़ी नहीं थे, जितने लड़के थे क्लास के टोटल लड़के मिला देंगे तभी 11 लड़के होते, तो वो उस तरह से वो टीम बनी। और क्या हुआ उसके बाद, हम जीते रहे। वो टीम बीकॉम की वो जो टीम जो कि बनी नहीं रही थी वो टीम टूर्नामेंट जीत गई, ठीक है। तो ये लाइफ में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कनेक्टिंग द डॉट, इसको लाओ ना वो कर लेता इसको, वो बीकॉम का जो एग्जांपल मैं जो दे रहा हूँ, जो इसके बैच में मैंने अनुभव किया कि जहाँ पर टीम बन नहीं रही थी, जहाँ पर खिलाड़ी नहीं थे, 11 के 11 क्लास के स्टूडेंट अगर खिलाड़ी बनेंगे तब जा करके टीम बनी, और वो टीम टूर्नामेंट पूरा जीती जहाँ पर 8-9 टीमें और थी और वो चुने हुए खिलाड़ी थे, मतलब 300 स्टूडेंट में से 11 खिलाड़ी चुन करके आ रहे थे, यहाँ 11 ही थे ही, कोई चॉइस था ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं था, जो था बस वही लड़के थे। हाँ, एक दो लड़की बोली कि अगर कोई लड़का नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग को खेलने दीजिए, तब हम लोग बीकॉम की टीम बनेगी। तो ये स्थिति थी जिस बैच की, वो बैच टूर्नामेंट जीता, है ना। तो इसी तरीके से, और तुम लोगों के बीच में कई बार होली मेला का आयोजन होता है, तो जब होली मेला होता है सिमेज में तो उसमें भी कई बार बच्चों को उत्साहित करना पड़ता है कि स्टॉल लगाओ, कुछ बिजनेस करो, तुम लोग अपना कुछ एक दिन का स्टार्टअप करो, एक दिन का कुछ बिजनेस करो। लेकिन साकेत तो डबल ट्रिपल स्टॉल मांगता था,
साकेत होली मेला से शुरुआत करते हैं, तो अपना एक्सपीरियंस होली मेला का बताओ। सर होली मेला में एक्चुअली जब ऑफर मतलब हमें बताया गया कि स्टूडेंट स्टॉल लगाएंगे, पहला होली मेला था, तो हम लोग के पास बेसिकली सबके पास आइडिया आता है लाइक इस गेम का स्टॉल लगाएंगे, इसका लगाएंगे, चार्ट बेचेंगे, चार्ट करेंगे। तो हमने बोला कि उस समय कस्टमाइज्ड टी शर्ट जो कोटेशन टी शर्ट्स थे ना वो बहुत बिक रहे थे उस समय, 2011-12 की बात होगी, उस समय बहुत लोग खरीद रहे थे ऑनलाइन। तो हमने बोला हम इसका स्टॉल लगाएंगे सर। तो अब सर को बोल तो दिया, अब सर ने बोला कि ऐसे नहीं लगाने दूंगा, पहले तुम इसका एनालिसिस ला के दो, इन्वेस्टमेंट कितना करोगे, ब्रेक इवन कितने में करोगे, और अगर लॉस हुआ तो कितना होगा, प्रॉफिट होगा तो कैसे होगा, वो पूरा एनालाइज करके तो ही अप्रूव करेंगे। इसकी टीम में जितने लोग थे उससे अच्छा प्लान मांगा गया था कि सब हाँ, सबसे मांगता हूँ सबसे कि तुम्हारी टीम में जो लोग हैं क्यों, किसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या हो, पैसे कौन कितने लगा रहा है, वो हाँ, एक एक डिटेल्स दो, प्लस हु विल टेक केयर ऑफ मार्केटिंग, हु विल टेक केयर ऑफ अकाउंट्स, हु विल टेक केयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, डेलीगेशन क्या कर रहे हैं। तो अपने आप में एक दिन का बिजनेस है लेकिन पूरा एक प्रैक्टिकल अनुभव करना पड़ता है। तो तुमने हमको लगता है पिज्जा का स्टॉल लगाया? नहीं नहीं, वो सेकंड में था सर, सेकंड में पिज्जा नहीं था, सेकंड में दो स्टॉल लिया था हमने। अच्छा। एक पिज्जा का लिया था और एक कस्टमाइज्ड फ्लिप बुक का लिया था। हाँ। ये वन में हमने लिया था जो होली में जब हम सेकंड ईयर में थे, तो हमने लिया था टी शर्ट्स का, कस्टमाइज्ड टी शर्ट्स का, और उसमें हमने क्या किया था, फेसबुक पेज वगैरह बनाया था, उस समय इंस्टाग्राम उतना था नहीं, और हम परमिशन लेके हर बैचेस में जाके प्रमोट कर रहे थे कि हम ऐसे ऐसे टी शर्ट्स बेच रहे हैं। तो अगर आपका कोई ग्रुप है, जैसे हर बैच में ना 4-5 लोगों का ग्रुप होता है, तो अपने ग्रुप का अलग से कस्टमाइज टी शर्ट बनाओ या अपने टीम का अलग से बनाओ। तो हमारे पास ऑर्डर्स आने पहले ही चालू हो गए थे, प्री बुकिंग था हमारा उसके, और हम लोग दूसरे ब्रांचेस भी जाते थे, जैसे वो विवेकानंद मार्ग में, हाँ, राजापुर में था, सर से परमिशन लिया, सर ने बोला जाओ वहाँ पे तुम करो, तो उन स्टूडेंट्स को भी हमने टैप करना चालू किया। यही फॉर्मेट आज भी है, अभी भी जब होली मेला होता है तो वहाँ पर बच्चों को मैं बोलता हूँ कि स्टॉल्स लगाओ, एडवर्टाइज करो, ग्रुप्स में डालो, व्हाट्सएप पे डालो, सीमेस के पेज पे डालो, क्लास में जा करके प्री बुकिंग कर दो, प्री बुकिंग डिस्काउंट दे दो लोगों को, और कुछ स्टॉल जो ओनर्स जिन्होंने हमारे यहाँ पे बिजनेस किया बच्चों ने, उन लोगों ने तो डे वन में पिक्चर रिलीज करने के पहले ही कलेक्शन पूरा कर लिया। हाँ, वो हमारा भी सर अच्छा हो गया, उनको पहले ही पता था कि मेरा इतना का तो सेल ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो उस लेवल पर बहुत बच्चे जो है अच्छा करते हैं। उसके बाद हमारे पास चैलेंज आया था बल्क में टी शर्ट खरीदने का, तो फिर मैं और समीर करके एक लड़का थे, हम लोग ना पूरा घूम रहे थे कहाँ सस्ते में टी शर्ट मिलेगा अच्छी क्वालिटी का। फिर मिलते मिलते शशांक के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट मिला, उनके पास गया, वो मिल गया, तो ऑब्वियसली क्योंकि प्रिंटिंग का भी उस समय मुझे पता चला कि प्रिंटिंग की भी अलग अलग क्वालिटी आती है, एक बेसिक होता है, एक रबड़ होता है, ये होता है। फिर वहाँ तक गए, कॉस्ट हमने एनालाइज किया, फिर हमने प्लान किया, अच्छा ठीक है अगर इतना हमारा कॉस्ट आ रहा है तो इतना प्रॉफिट लेके हम इतने में बेचेंगे टी शर्ट, बट नॉमिनल में बेच रहे थे हम लोग, आई गेस 250-300 का ही बेच रहे थे उस समय, एंड ऑनलाइन वही टी शर्ट 500 का बिक रहा था। तो हम लोगों को ये बोलते थे आप ऑनलाइन खरीदोगे 500 मिलेगा, और हमसे खरीदोगे सेम क्वालिटी दे रहे हैं, हम आपको 300 में दे रहे हैं। इवन कुछ फैकल्टीज़ ने ऑर्डर किए थे, मुझे अब तक याद है 2-3 फैकल्टीज़ ने भी ऑर्डर किए थे टी शर्ट। और जब होली मेला हुआ तो उस समय मतलब उस दिन हम लोग डिलीवर कर रहे थे, हमने बोला था डिलीवर करेंगे हम आपको होली मेले के दिन, आप लोग सब एडवांस वगैरह सब एंड नॉट एडवांस सबने पूरा ही पेमेंट कर दिया था। फिर होली मेला के दिन हमने सबको डिलीवर किया, और उस दिन भी कुछ ऑर्डर्स आए थे जो हमने बाद में वो किया। वो तुम्हारी लाइफ का पहला स्टार्टअप था? वो पहला था तो शुरुआत कॉलेज में एक दिन के बिजनेस से हुई, और उसके बाद ऑब्वियसली इसने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी लिया, बड़े इंडस्ट्री में बड़े कॉर्पोरेट्स में जॉब किया, इसने पुणे से MBA भी किया, और अब ये मुझे लगता है तुम्हारा ये तीसरा स्टार्टअप है जो तुम शुरू करो कि दूसरा है ये? नहीं, ये जो करूंगा वो तीसरा हो जाएगा सर। तीसरा है, मैं ठीक बोला हूँ, तीसरा स्टार्टअप है जो अभी ये जिसपे काम कर रहा है, बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है, और जो इसका सेकंड स्टार्टअप है वो भी कंटिन्यू कर रहा है, उसमें ये एक अच्छे मुकाम पर आ चुका है। तो मतलब अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि जो Tier 3 सिटीज से आ रहे हैं, पटना जैसे शहरों से आ रहे हैं, या छपरा औरंगाबाद बक्सर और सिवान और मोतिहारी से आ रहे हैं, ये बच्चे जो हैं ये तो मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, नहीं तो किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे, ये अपना बिजनेस कैसे करेंगे, और अपना बिजनेस करेंगे तो गांव में कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकते हैं, जिला में कर सकते हैं, किसी बड़े शहर में जा करके बड़ा स्टार्टअप शुरू करना और बड़े क्लाइंट्स को सर्व करना, जैसे अभी जो लेटेस्ट क्लाइंट के बारे में अभी हमारी बात हो रही थी साकेत से, महिंद्रा थार, तो महिंद्रा ने थार रॉक्स लॉन्च करी,
और थार रॉक्स लॉन्चिंग में काफ़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो साकेत की कंपनी ने उठाई, तो आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के क्लाइंट्स, तुम्हारे क्लाइंट्स के बारे में बताना, तुम्हारे पहले जो पहले दो स्टार्टअप्स हैं पहले उनकी बात बताओ। पहले उससे वो टी शर्ट ही था और वो तो उसको एज ए स्टार्टअप ही मतलब सेकेंड, सो वी गॉट इन टू प्रोडक्शंस, क्योंकि मैं मुंबई में जब जॉब करता था तो आई वॉज मोर इन टू म्यूजिक प्रमोशंस का हमारा काम होता था, तो वो जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड इंडस्ट्री म्यूजिक इंडस्ट्री वो मैं देखा एंड मेरा थोड़ा ऑन मोबाइल एक कंपनी है जो कि मोबाइल पर आप लोग जो रिंग टोन्स हेलो ट्यून्स और कई तरह के जो मोबाइल पर गेमिंग्स या जो मोबाइल पर वैल्यू एडेड कई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं इंटरटेनमेंट रिलेटेड वो प्रोवाइड कराती थी ऑन मोबाइल एंड ही वाज टेकिंग केयर ऑफ सर्टेन डिविजन्स इन ऑन मोबाइल, तो वो एक्सपीरियंस उसको काम आया एंड देन ही वेंट इनटू उस समय ऑन मोबाइल एक नया प्लेटफॉर्म लेके आ गए जैसे ऑनमो व्हिच वाज इनटू मोर इनटू गेमिंग एंड ऑल दिस म्यूजिक्स एंड ऑल दैट, तो मैं उन्होंने हायर तो किया था ऑन मोबाइल के लिए लेकिन जब बाद में उनको थोड़ा पता चला कि आई एम इनटू डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा मेरे क्योंकि मैंने जीजाई से काफी कुछ सीखा था ड्यूरिंग माय एमबीए डिजिटल मार्केटिंग, हाँ वो दैट वाज नॉट इन द कोर्स, ये मैं बता दूं कोर्स में नहीं था। एक अपना अनुभव मैं शेयर करता हूँ, पता नहीं अभी है कि नहीं, लंबे समय तक साकेत जब कॉलेज में था तभी मैंने इसको साकेत को कॉलेज के फेसबुक पेज का एडमिन बनाया था, जल्दी किसी स्टूडेंट को मैं कॉलेज के पेज का एडमिन राइट्स देने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करता हूं क्योंकि कुछ भी गलती वो करेगा तो वो पेज को नुकसान हो सकता है, या वो लिख रहा है तो सही लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, ग्रामर स्पेलिंग सही है कि नहीं है, प्रॉपरली चीज़ों को रिपोर्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो इस मामले में साकेत के ऊपर में मेरे को भरोसा था और ये भरोसा ऐसा कि मतलब कॉलेज से ये पास आउट कर गया लेकिन सालों साल तक ही एडमिन बना रहा पेज का क्योंकि मुझे लगा कि भाई ही इज़ अ वेरी डिसेंट एडमिन, तो इस तरह के मतलब बच्चे होते हैं जिनको कि आप अपना मतलब कहते हैं तिजोरी की चाबी देने को आप तैयार होते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है इसको दिया जा सकता है, गाड़ी की चाबी आप इसको दे सकते हैं, आपकी गाड़ी में एक खरोच नहीं लगाएगा, तो ये इस तरह का साकेत का है डिजिटल मार्केटिंग। ये उस वक्त से जब कॉलेज में था बीकॉम का स्टूडेंट तब भी ये जान रहा था और समझ रहा था, है ना, वो मेरे जीजू ही थे, सो वो उस समय भी डिजिटल मार्केटिंग का काम करते थे, तो जब हम एमबीए कर रहे थे उस समय डिजिटल मार्केटिंग मतलब ग्रो हो रही थी, तो इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स। हमारा कुछ किस साल की बात हम लोग कर रहे हैं, अब तो आई 10 साल हो गया सर, 2014 में मैं पास आउट हुआ हूँ, 2014-16 में जब मैंने एमबीए किया था तो मैं भी पुणे में था, जीजू भी पुणे में थे, तो हमारा गेस्ट लेक्चर्स हुए थे कुछ 4-5 5-6 हमारे गेस्ट लेक्चर हुए थे ऑन डिजिटल मार्केटिंग क्योंकि इट वाज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग ड्यूरिंग दैट टाइम, बट उस समय मुझे याद है मैं जीजू से सीख के अपना खुद का गूगल एड अकाउंट बना दिया एंड कुछ भी प्रमोट कर देता था, मुझे याद है एक वीवो का फ़ोन का फोटो लेके मैंने ऐसे ही प्रमोट कर दिया था, उन्होंने वार्निंग देके ब्लॉक कर दिया था मुझे नहीं गूगल वाले यू कैन नॉट डू दिस, क्योंकि मैं सीख रहा था, मुझे क्या था मेरे पॉकेट मनी से मैंने 500 रुपये लगाए गूगल अकाउंट में, मैंने बोला ऐड रन करो इसको कीवर्ड मैनेज करो ये करो, और फिर मेटा का भी ऐड में उस समय तो फेसबुक था तो ऐड वैड में ऐसे ही 500 रुपये लगा के उस समय 50 रुपये के ऐड रन अलाउड होते थे, अब तो उतने कम अलाउड नहीं करते, तो उस समय तो गूगल नए ऐड अकाउंट बनाने पर 400-500 रुपए का आपको ऐड का कैश देता था और आप चाहते तो उस जो गूगल द्वारा दिए गए कैश से कुछ देर का छोटा सा छोटा कैंपेन फ्री में भी बना सकते थे। आई डोंट नो अभी है कि नहीं अभी इंटरनेशनल तो इंडिया का आई एम नॉट अवेयर, इंटरनेशनल लगभग $2500 देता है, अगर आप इतना कुछ खर्च कर लो तो $2500 खर्च करो तो वो देता है वो, क्योंकि इंटरनेशनल हम रन करते हैं, इनिशियल अकाउंट बनाने पर ही आपको कुछ क्रेडिट देता है, इंडिया में देता है 500। तो ऐसे ही करके मैंने भी सीखा, फिर कहीं कुछ फंसता था तो जीजू से पूछता था कि बताओ यहाँ फंस गए, तो वो ऑब्वियसली ही वॉज इन टू डिजिटल मार्केटिंग तो वो बताते थे, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। देन फिर स्टार्टअप का नाम क्या था तुम्हारा सर? प्रीमिक्स हाँ प्रीमिक्स ही था, तो प्रीमिक्स तो कॉफी आती है, प्रीमिक्स तो चाय सर, द रीजन वी केप्ट द नेम प्रीमिक्स ना बिकॉज वी वर मिक्सिंग अप फ्यू थिंग्स इनटू वन। पहले क्या होता था ना कि डिजिटल मार्केटिंग आप किसी और एजेंसी से कराओ और फोटो वीडियो शूट किसी और से कराओ, जैसे आपने फोटो वीडियो व्हाट वाज द सॉल्यूशन इन प्रीमिक्स, सो व्हाट वी वर डूइंग इज हम बोल रहे थे प्रोडक्शंस भी हमसे कराओ और उसके प्रमोशंस भी हमसे कराओ, व्हेन ही सेइंग प्रोडक्शन ऑफ कंटेंट, प्रोडक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेंट, सोशल मीडिया कंटेंट, है ना,
कोई मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं हो रही है, प्रोडक्शन जो है वो डिजिटल प्रोडक्शन, जैसे सीमेंस का ये डिजिटल प्रोडक्शन सेंटर है। तो हम वहाँ पे बेसिकली व्हाट वी डिड, अब तो काफ़ी कंपनीज करने लगी है, उस समय नहीं थी कंपनीज, क्योंकि मैं बीच में मैंने 6-7 महीने एक डिजिटल एजेंसी में काम भी किया था जस्ट टू गेट द नॉलेज। बट फिर वहाँ भी मैंने देखा यही प्रॉब्लम थी, जब हम क्वेरीज लेते थे तो वो बोलते थे आप हमारा ये भी कर दो, तो कंपनीज तो वो करती नहीं थी। तो आई वाज लाइक ठीक है लेट मी बिल्ड अप अ टीम। मतलब पहले तुम क्लाइंट से क्वेरी लेते थे, क्लाइंट से डाउनलोड लेते थे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ पहले सर कॉर्पोरेट्स में मैंने वही सीखा ना, क्लाइंट्स को चाहिए क्या, वरना अगर मैं खुद स्टार्ट कर देता तो इट क्लाइंट का पेन पॉइंट क्या है, क्लाइंट को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, या उसका जो सक्सेस किस लेवल का मिल रहा है या क्या नहीं मिल पा रहा है, ऑफलाइन टू डिजिटल में ट्रांजिशन अगर है तो उसमें कहाँ पर क्या इशू आ रहा है, या ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो क्लाइंट अभी समझ भी नहीं पा रहा है कि ऑनलाइन में ये पॉसिबल है और उसके ब्रांड में वो चीज़ को रियलाइज वो कर ही नहीं रहा है। तो आई थिंक डिजिटल मार्केटर का बहुत बड़ा ये एक जरूरत होता है कि सबसे पहले क्लाइंट की नीड को समझे, प्रोडक्ट को समझे, प्रोडक्ट डायनामिक्स को समझे, और फिर उसका अगर वो एक ऑफलाइन ब्रांड है तो उस ऑफलाइन ब्रांड का डिजिटल प्रेजेंस किस किस रूप में हो सकता है, रेवेन्यू मॉडल क्या हो सकता है, और मतलब सिर्फ मार्केटिंग नहीं अगर डिस्ट्रीब्यूशन के एंड पर भी उसका कोई ऑनलाइन सिस्टम हो सकता है, ई-कॉमर्स के लिए करते हैं, हाँ डिलीवरी कुछ अगर ऑनलाइन हो सकती है तो वो कैसे हो सकती है। हाँ तो फिर सर जब ये क्वेरीज आई देन द फर्स्ट क्लाइंट वी क्रैक्ड वाज एक इंडिया बड़ी कंपनी है बट इंडिया में दे स्टार्टेड, इट वाज हील एंड बकल लंदन करके है जो शूज़ बनाते हैं, एंड मगनानी आई गेस आफ्टर कोविड दे हैव क्लोज डाउन, उनकी एक पेरेंट कंपनी मदर कंपनी थी सिस्टर कंपनी थी सॉरी, इट वाज मगनानी, वो बहुत प्रीमियम शूज़ बनाते थे। तो किसी दोस्त के थ्रू रेफरेंस मिला तो उनका हमने इंस्टाग्राम मार्केटिंग और फोटोग्राफी का हमने प्रोजेक्ट उठाया था, फोटो वीडियो का, दे लाइक द वर्क, तो उनके थ्रू एक दो क्लाइंट्स और आते गए। फिर मैंने अपने कॉलेज के एलुमनाई ग्रुप में मैसेज डाल दिया दैट आई हैव स्टार्टेड माय कंपनी एंड ऑल दैट, वहाँ से लकीली आई गॉट अ वेरी बिग क्लाइंट दैट वाज पैंटालूंस, एबीआरएल की क्वेरी आई थी, एबीआरएल बिल्डर डिटेल तब तक टेकओवर हो चुका था। हाँ एबीआरएल का मतलब पैंटालूंस वो उसमें था। फिर मुझे बुलाया गया गुड़गांव में मीटिंग के लिए, उस समय मैं दिल्ली में रहता था, मैं गया मीटिंग हुई, फिर दे लाइक द वर्क, और हमने थोड़ा मार्केट से बहुत कम कोट किया था उनको, क्योंकि हमें क्या था कि ये चाहिए अंशु के साथ जो है पूजा, शी वाज आल्सो इनटू पैंटलूंस इन डिजाइन एंड फैशन सेगमेंट में। हमारी डील सर बस मार्केटिंग वालों से होती थी वहाँ पे। हाँ तो वहाँ पे हम गए, मीटिंग्स हुई, मैं गया था, फिर द रीज़न वॉज हमारा वी वेर स्टार्टअप, तो मुझे क्या था ये क्लोज करना ही, क्योंकि मुझे ये पता था दिस विल गिव अस मोर अपॉर्चुनिटीज़। तो हमने जब वो क्लोज किया तो उनकी इंस्टाग्राम और फोटोग्राफी का हमें मिला था, देन वहाँ से तो क्लोथिंग इंडस्ट्री में वहाँ से कैंटरबिल आ गए हमारे पास, लैंडमार्क ग्रुप आ गया हमारे पास, शॉपर स्टॉप आया है, शॉपर स्टॉप का भी एक होम का है वो भी हम कर रहे हैं जल्दी, तो वहाँ से उनके रेफरेंस से रिलायंस डिजिटल आ गया, रिलायंस ट्रेंड्स आ गए हमारे पास, वहाँ से कई ज़्यादा क्वेरीज आए। फिर व्हेन वी वर डूइंग ऑल दिस तो पार्टनर का सर मेरा सजेशन था टू गेट इनटू वेडिंग इंडस्ट्री। वेडिंग इंडस्ट्री ही सेड कि उस समय ये गैप है, तुम ब्रांड्स में और उसमें भी रिटेल सेगमेंट में तुमने अच्छा क्लिक किया था, डोंट यू थिंक कि वो सेक्टर इतना बड़ा था सर, तो वी डिडंट स्टॉप दैट, सो व्हाट ही सेड ही वुड बी टेकिंग केयर ऑफ द वेडिंग इंडस्ट्री, क्योंकि मैं ऑब्वियसली वेडिंग में भी पीछे फोटोग्राफी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट बनता गया। हां एंड व्हाट हैपेंड इज दैट जब हमने बजट देखा, मतलब लिटरली स्टार्टिंग में वी वर नॉट इन अ मूड की क्लोज, तो हमने जैसे किसी क्लाइंट को अपना एक रेफरेंस काम दिखाया और हमने बोला विल चार्ज यू 2 लाख ऑलरेडी है, फिर नेगोशिएट हो गए 180 पे वो रेडी था, तो हमने बोला यार 180 इज नॉट अ बैड अमाउंट, तो हमने बोला ओके लेट्स क्लोज इट। तो वो क्लोज करते 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 फिर वो हमने एक अलग से सेगमेंट बना दिया, इंडियन फैट वेडिंग। सो आई रिमेंबर वन ऑफ द वेडिंग विच वी डिड वॉज बालाजी इवेंट्स के साथ था, लगभग 10-12 करोड़ का वेडिंग था वो, इट वॉज लाइक इनिशियल वेन वी स्टार्टेड, तो वी सॉ कि यार कंपनी में फंड्स आ रहे हैं एंड अल्टीमेटली वो फंड्स तो कंपनी में ही ग्रोथ में काम आएगा, तो हमने एक सेगमेंट ही अलग कर दिया वो, फिर मेरा पार्टनर ही स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ दैट डिपार्टमेंट और मैं अपना कॉर्पोरेट डिजिटल मार्केटिंग का डिपार्टमेंट देखना मैंने चालू किया। एंड देन यू वर डूइंग ऑल दोस प्री वेडिंग शूट वो सर उसी में था प्री शादी हनीमून मेरे को लगता है नहीं मेरे साथ क्या हुआ ना सर, फॉर 3 ईयर्स तो मैं करता ही नहीं था कुछ,
फॉर थ्री इयर्स आई वाज ओनली फोकसिंग इनटू मार्केटिंग. लड़का दौड़ के आ रहा है, वो मेरा पार्टनर व्हाइट गाउन पहन करके लड़की जो है वो दौड़ के हाथ में बुके लेकर के आ रही है, व्हाइट वो लिली फ्लावर्स का है, वो मेरा पार्टनर था. एंड बिगेस्ट वन वी डिड दैट टाइम वाज 2019 में हम दुबई गए थे वन ऑफ द प्री वेडिंग के लिए, तो वो इंस्टा पे थोड़ा वायरल हो गया था. अच्छा. एंड वो फिर हमें और क्वेरीज देने लगा, तो हमने एक पूरा डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया. जैसे मार्केटिंग का एक अलग है, कॉल आता है तो वो हैंडल करता है, वो क्लोजर करता है, तो हमने उसको अलग कर दिया. और मैं थोड़ा इधर घुस गया कि कॉर्पोरेट, क्योंकि अल्टीमेटली दिस वॉज ऑल्सो गिविंग अस गिव्स अस गुड बिजनेस. एंड इसमें क्या है, इट्स अ रिकरिंग पेमेंट. अगर कोई डिजिटल की सर्विस ले रहा है ना, तो वो हम उनसे महीने का चार्ज करते हैं. तो ये फिर हमें फिर फ़ायदा ये होने लगा कि अल्टीमेटली जो हमारा प्रोडक्शन टीम जो कॉर्पोरेट्स हैंडल कर रहा है ना, वो उधर भी हैंडल कर रहा है, तो हमें अलग से टीम हायरिंग की ज़रूरत नहीं हुई. हमारी इनहाउस ही टीम थी जो उधर भी काम कर रही थी, इधर भी काम कर रही थी. दोनों का फ्लेवर थोड़ा अलग है, मतलब. हाँ सर, तो होता क्या है ना, वी फॉर कॉर्पोरेट्स वी डू स्क्रिप्टिंग एंड ऑल दैट, सो वी नो हाउ टू डू इट. वहाँ पर स्क्रिप्टिंग्स नहीं होती है. वैसे सब में ही सब कुछ है, वहाँ पर भी बहुत तरह का प्लान करना पड़ता है. आजकल तो वेडिंग सेरेमनीज जो होती हैं उसमें फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो डिजाइन डिसाइड करते हैं कब कैसे क्या करना है. रीटेक तक करवा लेते हैं वो. सो सर, कोविड के टाइम ऐसा टाइम था जब हमारे पास क्वेरीज आती थी तो काफ़ी क्लैश होता था, क्योंकि हमारे ऐसे भी कॉर्पोरेट छूट है और डेट आ गया, तो फिर हम डिसाइड करते थे. हम बोलते थे नहीं इस डेट पे, जैसे कॉर्पोरेट ऑब्वियसली वी कैन नॉट से नो, उनको बोलते थे नहीं हम इस डेट पे अवेलेबल ही नहीं, हम आपको यही डेट दे पाएंगे. शादी का डेट चेंज करेगा? नहीं नहीं, शादी का नहीं, बाकी दूसरी चीज़ होगा. तो उसमें क्या होता था, हमारा अपर हैंड होता था, बिकॉज इफ दे लाइक द वर्क नो, वो बोलते थे ठीक है हम इस दिन, चलो हम छुट्टी ले लेंगे, हम इस दिन कर लेंगे. बट एक बात बताओ, मतलब आई डोंट नो, ये सवाल कहीं मेगा मैम ना देख लें, वेडिंग फोटोग्राफ कौन देखता है, और जो वेडिंग का जो वीडियो होता है कभी उसको कोई प्ले करता है? सर देखो, आफ्टर आई गेस सोशल मीडिया बूम क्या हुआ है ना, पीपल नीड दिस फॉर देयर सोशल मीडिया, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. द रीज़न पीपल दुबई जाते हैं या बाली जाते हैं शूट कराने के लिए, इट्स ओनली फॉर द सोशल मीडिया, क्योंकि दिखाना है हमने वहाँ शूट कराया है. एंड दिल्ली में वो थोड़ा नेचर है कि हमने वहाँ वो है, तो वहाँ से ड्यू टू ऑल दैट हमारे पास जब क्वेरीज आई तो वो हाई बजट क्वेरीज आनी चालू हो गई थी. एंड देखता है, अगर मैं अपनी खुद की शादी की बात करूँ तो मैंने तो बस अपनी वो दो मिनट वाली वीडियो देखी है. फुल वीडियो मम्मी देखती है, जो लंबी वीडियो होती है. एंड एक दो तीन पोस्ट हमने इंस्टा पे कर दिया बस. मैं तो नहीं देखता हूँ, बट आई गेस पेरेंट्स जो होते हैं वो देखते हैं. बट इस जनरेशन को दे आर मोर कंसर्न अबाउट व्हाट विल आई पोस्ट ऑन माय इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप स्टोरीज में क्या लगाएंगे. ये वेडिंग अपने आप में भारत में बहुत बड़ा एक इकोनॉमी का साइकिल को बूस्ट करने वाला इवेंट होता है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट फोटोग्राफी, चाहे फ्लावर्स हो, डेकोरेशन हो, या फिर इवन ब्यूटिशियंस, उनका जो रेवेन्यू वेडिंग को लेकर के आता है, डिज़ाइनर्स, क्लोथ्स, ज्वेलरी, सो एवरीवेयर वेडिंग जो है बहुत बड़ा, ट्रैवल के लिए और होटल्स के लिए, सब के लिए बहुत बड़ा वेडिंग में. सर हमारे पास एक ब्रांड का शूट आया था, सो वाई वी वो रेफरेंस हमने यूज़ किया था. सो उनका क्या था ना, दे वेर इन टू ब्राइडल लहंगाज एंड ऑल दैट, तो उनको उनकी फोटोग्राफी और सोशल मीडिया का काम था हमारे पास. तो जब हमने वो शूट किया ना, तो फिर वहाँ से ही, मतलब मेरे पार्टनर को था यार वी कैन डू दिस देन वी कैन डू दैट एज वेल, वहाँ से ही गॉट एन आइडिया. इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, जैसे कलकत्ता में बड़ा बाजार है, तो बड़ा बाजार जो है वो वहाँ का एक ट्रेडिशनल होलसेल मार्केट है. वहीं पर एक बड़ा बाजार में एक एसी मार्केट बना था बहुत पहले, सत्यनारायण एसी मार्केट कहते हैं उसको. वहाँ पर एक मारवाड़ी कपड़े की दुकान थी और रवि मोदी लड़का था, तो उसने वेडिंग के कपड़ों का ब्रांडिंग को अलग करके ब्रांड बनाया, और आप सब लोग उस ब्रांड को जानते हैं. लास्ट मैंने देखा था 30,000 करोड़ था, अभी नहीं पता कितना वैल्यूएशन है. बात कर रहा हूँ मैं मान्यवर. तो मान्यवर इज क्लोज टू, मतलब मेरे वाइफ का, वाइफ का जो, मतलब फैमिली का जो शॉप है ना, वो बड़ा बाजार में ही है. तो ऑब्वियसली बड़ा बाजार से काफी वो आगे निकल गया. लेकिन रवि मोदी ने जो मान्यवर ब्रांड बनाया, वो पूरे वेडिंग के अराउंड बनाया. ही रियलाइज दिस थिंग कि लोगों का जो बजट होता है वो एकदम हे वायर हो जाता है जब शादी की बात आती है. और दो साल पहले आईपीओ भी लॉन्च, एक दिन का कपड़ा पहनना है, दोबारा वो कब पहनेगी उसको नहीं पता है, लेकिन उसको 5 लाख का घाघरा पहनना है. और लड़का जो शेरवानी खरीद रहा है 1.25 लाख का, 1.5 लाख का, उसको तो पक्का पता है कि शेरवानी दोबारा पहनने का चांस नहीं है. हाँ. तो, और वो
मान्यवर जो है इतना बड़ा ब्रांड बन गया, तो बिकॉज वेडिंग जब शादी के आता है तो फिर इंडियंस का दिमाग काम करना बंद कर देता है। जो दोस्त या जो मोहल्ले में अंकल आपको कभी 100 रुपये का कुछ खिलाएंगे नहीं, वो 2000 रुपये की प्लेट वेडिंग के लिए बुक करा लेते हैं कि जिसमें आप इधर से उधर खाते रहते हैं कि चाट का स्टॉल इधर है तो इसका स्टॉल किधर है तो उसका स्टॉल किधर है। और वो भी खासतौर पर जो इस तरह से एस्पिरेशन लोगों के बढ़ रहे हैं और अब तो नेक्स्ट लेवल लोग देख रहे हैं जो अम्बानी शादी वगैरह को देखने के बाद, हाँ तो ठीक है, द वन हु कैन अफोर्ड ही इज़ डूइंग दिस थिंग, और ठीक है इसको मैं इस रूप में लेता हूँ कि इससे इकॉनमी मूव करती है और आई थिंक कि भारत में ये एक बहुत बड़ा इकॉनमी को इसमें भी सर काफ़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है अगर आप अलग अलग सेगमेंट देखोगे इसमें, क्योंकि आई नो मैनी इवेंट प्लानर्स को मैं जानता हूँ जो, क्योंकि हम लोग ये अभी आप अगर जानते हो इंडियन मोबाइल कांग्रेस होता है पिछले 2 साल से हमने कवर किया है, लास्ट ईयर स्टार्टअप महाकुंभ हुआ था विच वॉज गवर्नमेंट विच स्टार्टअप महाकुंभ वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, तो वो भी हमने पूरा कवरेज किया था बिकॉज IMC ने ही ऑर्गेनाइज किया था, सो दे न्यू अस, तो ये बिकॉज वी डू द कवरेज सो वी आर इन टच विद द इवेंट एज वेल, सो वो इवेंट क्या करते हैं ना वो भी इस ये भी काम करते हैं, इट्स नॉट दैट दे ओनली डू कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट। वेडिंग बहुत बड़ा मार्केट है और तो बहुत पैसा फ्लो कर रहा है, तो तुम्हारा वो जो प्रीमिक्स है इट्स डूइंग गुड, इट्स डूइंग गुड कॉर्पोरेट्स में है। अब जैसे हमने बीच में अभी तो हमने मैं एक दो पॉइंट और बता देता हूँ, वाइल डूइंग दैट ड्यू टू माई कॉन्टैक्ट्स ऑफ ऑन मोबाइल वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू फ्यू अनप्लग्ड सॉन्ग्स फॉर सारेगामा। अच्छा, सारेगामा का जो चैनल है YouTube के लिए उनको कुछ अनप्लग्ड शूट करना था, मतलब जो उनके पास कुछ ऐसे सॉन्ग्स थे जिसको उनको वीडियो अनप्लग्ड करवाते हैं ना वो। अच्छा। मतलब नॉर्मल कोई YouTube सिंगर्स को ले लिया, इंस्टाग्रामर्स को, तो वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी, वो हमने किया, फिर वहाँ से थोड़ा म्यूजिक इंडस्ट्री का ये हमारा जो प्रोडक्शन का उसमें खुला। नाउ डॉट्स कनेक्ट होते जाएंगे, हम लोग लास्ट में सब डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, मेरे दिमाग में बहुत सारे डॉट्स में देख रहा हूँ कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, उसके बाद फिर हमें अभी रिसेंटली वी आर डूइंग अ सीरीज ऑन जियो सिनेमा जिसमें हम कैसे बनता है करके एक सीरीज है वेयर जैसे मेगा फैक्ट्री पहले डिस्कवरी पे आता था, तो कैसे बनता है मैं हम बता रहे हैं कि ये चीज़, जैसे हमने रिसेंटली लास्ट एपिसोड हमारा अमेरन बैटरी पे अभी आने वाला है, मतलब टाइटन वाला तो हम देखे थे जो अभी अमेरन बैटरी का सर अभी आ जाएगा, मतलब उसका VFX का थोड़ा काम चल रहा है, हमारा राजा। हाँ हाँ हाँ, हमारा राजा, तो उनका लास्ट एपिसोड है इस सीजन का, सो 3 सीजन का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, तो उसमें व्हाट वी शो की वो उनका कैसे चल रहा है जो प्रोजेक्ट है उसके बाद उसमें कुछ हो रही है। हाँ, वो उन्होंने CEO ने खुद बोला है, अभी तो सर मैं मेरे पास वैसे बैक एंड ड्रॉ डेटा है बट दिखाने हमारे पास जो लिंक्स अगर हो, मैं चाहूंगा कि अगर कोई लिंक्स जियो सिनेमा पे बनता होगा कैसे बनता है सर, आप जियो सिनेमा में जैसे ही डालोगे आ जाएगा सारे। अच्छा, सारे आ जाएंगे एपिसोड, 7 एपिसोड्स आउट है, एक एपिसोड बाकी है। मैं चाहूंगा कि मैं सारे बच्चे हमारे जरूर देखें, स्टूडेंट्स इमेज के जितने भी हैं कैसे बनता है, और मैं बताऊं साकेत को कि मैंने तुम्हारा सीरीज तो नहीं दिखाया है लेकिन प्रोडक्ट्स जो मेगा फैक्ट्रीज का जो ये सीरीज की बात कर रहा है, चाहे वो आइसक्रीम की फैक्ट्री हो या वो मोबाइल की हो या वो टेस्ला की जो है, मैं कोशिश करता हूं कि मेरा बेटा नमन अभी छोटा है उसको मैं दिखाऊं। वैसे ये अलग बात है कि आधा देखते थे तो उसको नींद आ जाता है और फुटबॉल का मैच वो यूरोपियन जो क्या सॉकर लीग वगैरह जो होता है अभी हुआ ना सर, आधी रात को देखता रहता है, उसको कोई नींद नहीं आता है, और अगर उसको हम कैंडी कैसे बन रहा है और आइसक्रीम कैसे बन रहा है फैक्ट्री में दिखा रहे हैं तो उसको नींद आ जाता है। तो कैसे लास्ट वन हमने अभी वैसे टाइटन का भी किया था, टाइटन वो तुम्हारा पहला एपिसोड था, अब याद सर क्योंकि तुमने मुझे एक बार जब तुम्हारा पहला एपिसोड बताया था कि हाँ, तो याद नहीं है सर वो एपिसोड, वैसे लॉजिकली तो ये जो अमेरन काम कर रहे हैं ना ये होने वाला था पहला एपिसोड, बट ड्यू टू अप्रूवल एंड ऑल दैट क्या रिसेप्शन जाना चाहिए। हाँ, वो होते होते सर अभी मतलब अब लास्ट एपिसोड वो चला गया क्योंकि वो अप्रूवल दे ही नहीं रहे थे, सो फर्स्ट वन आई गेस वी डिड फॉर एवरेज, वो देखना होगा सर, फर्स्ट हम टोटल हम 7 एपिसोड आउट है, पहला हमने आई गेस टाटा का भी कर रखा है, ये जियो सिनेमा पे एक्सक्लूसिवली है, जियो सिनेमा पे एक्सक्लूसिव हमारा कॉन्ट्रैक्ट, इन्हीं की ये कमीशन्ड है, मतलब तुम्हारा सीरीज कमीशन्ड है, कमीशन्ड, और पहले दूरदर्शन के जमाने में कॉन्सेप्ट हुआ करता था प्रायोजित कार्यक्रम और एक होते थे कमीशन कार्यक्रम, स्पॉन्सर्ड एंड कमीशन्ड। स्पॉन्सर्ड में क्या होता था कि आप प्रोड्यूसर हैं, आपको स्पॉन्सर्स लेकर के आने होंगे तब आपको दूरदर्शन चलाने के लिए देगा, और कमीशन में ये होता था कि जिसमें दूरदर्शन आपको पहले ही फंड दे देता था कि ये लो फंड
अब आप किसी दर्शन बनाने के लिए जो पैसा है प्रोड्यूसर को वो दूरदर्शन देगा। हाँ, नहीं मैं समझ गया बिकॉज आई नो द स्टोरी ऑफ शक्तिमान, क्योंकि वो पे करता था।